दो साल तैयारी करने के बावजूद भी मुझे लोगों की ये बातें सुनने को मिलती थी कि यार ऐ मुंडे ने इंटरनेशनल खेलना है। यहाँ तक कि मेरे जिम के अंदर कुछ लोग आते थे, बहुत बुरा लगता था। स्कूल में मुझे याद है स्कूल में समटाइम लोग ट्यूबलाइट बोलना शुरू कर देते थे और तीली तीली भी बोल देते थे रंग की वजह से, तो रंग काला है। हाँ, उसकी वजह से भी बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाती थी। जिम के अंदर कुछ लड़कों ने ना ये बातें भी करना शुरू कर दी, इंटरनेशनल खेल रहा है ठीक है, तेरा दिमाग खराब है तो क्यों पाकिस्तान का ना डूबा है ठीक है, सारी बिस्ती करानी है। तो वो इतनी डिमोटिवेशन थी यहाँ पे, इतनी डिमोटिवेशन थी कि मुझे तो समटाइम्स लगता था कि यार क्या इतना गए गुजरे हैं पाकिस्तान। और जब टाइटल जीत के लाए, ये मेडल आपके गले में था, तब क्या तासुरात थे उन हरीफ कहूंगा मैं जो आपको ताने देते थे, क्या नजर ही नहीं आए। लोग कहते हैं किस्मत, मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं कहता हूँ मेहनत ठीक है और अल्लाह ताला की रजा और लगन। लगन मुझे ना इस बॉडी बिल्डिंग ने ना जो चीज सबसे ज्यादा सिखाई है ना सर, वो ये सिखाई है कि लोग आपको किसी हाल में खुश नहीं रहने देंगे। सर मुझे बताइएगा लास्ट वीक की स्टीराइड्स का इस्तेमाल बड़ा इसमें समझा जाता है कि किया जाता है, क्या आपने भी इस्तेमाल किया और किया तो कितना किया? अस्सलाम वालेकुम, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवा रहा हूँ जिसने मुआशरे से पतले दुबले होने के ताने बहुत ज्यादा सुन लिए और इन तानों से तंग आकर आखिरकार इसने सोचा कि मैंने जिम करनी है और जिम इस तरह की कि पाकिस्तान ही बल्कि यूएसए में जाकर मेडल जीते और मेडल पाकिस्तान लेके आए। किस तरह ये मोटिवेशन आई, इनसे बात करते हैं और जानते हैं और इनको लोगों ने ये भी ताने दिए कि तुम्हारा रंग काला है, तुम बहुत पतले दुबले हो और आखिरकार इस शख्स ने अपने अंदर मोटिवेशन पैदा किया और अब इस तरह का नाम बनाया कि पाकिस्तान के लिए ये फख्र है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि इतनी अच्छी फिजिक आपने बनाई है और ये आपके पास जो यूएसए का मेडल है कैसे हासिल किया? सर बड़ी लंबी स्ट्रगल थी इसके पीछे और जैसे कि आपने बताया स्टार्टिंग से तो ऐसा था ही नहीं बिल्कुल भी, काफ़ी कुछ सुना लोगों से, काफ़ी कुछ बातें सुनी। क्या कहते थे दोस्त, हल्का अहबाब, क्या आपको ताने देते थे? सर दोस्त बेसिकली मैं था बड़ा पतला दुबला पतला इंसान ना ठीक है, मेरी फैमिली मतलब है ही इस तरह से, मतलब पतले पतले हैं हम सारे, तो ऊपर से क्या नाम देते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे क्या नाम देते हैं कलर्स और इन चीज़ों को भी बड़ा मैटर किया जाता। तो मुझे याद है ठीक है स्कूल लाइफ से ही लेके जो है स्कूल कॉलेज यहाँ पर जो है ठीक है कुछ अच्छे ज़्यादा ना दोस्ती इतनी बनी ठीक है और ना ही क्या नाम देते हैं इस तरीके से मैं लोगों को इंगेज कर पाया। तो हाँ फिर बस वहाँ से ही सोच लिया ठीक है कि यार एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ठीक है जब जो इस चीज़ को जो है लोग क्या कहकर आपको पुकारते थे आपके दोस्त, क्या इनके आपको ताने थे जो आप तंग आके यार मैं तंग आ गया सर बड़ा कुछ कहा है सर बताएं जरा सर बड़ा कुछ कहा है क्या कहते थे? स्कूल में मुझे याद है स्कूल में समटाइम लोग ट्यूबलाइट बोलना शुरू कर देते थे ठीक है, कुछ लोग क्या नाम लेते हैं लाइक जैसे हम माशरे में रहते हैं ठीक है और तीली तीली भी बोल देते थे ठीक है, समटाइम्स क्या नाम लेते हैं रंग की वजह से तो रंग काला है। हाँ, उसकी वजह से भी बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाती थी ठीक है, तो बड़ा फेस किया सर, बड़ा बुली भी हुआ हूँ। कभी ये सोचा कि मैं जो है जिम करूँगा, वेट लिफ्टिंग करूँगा? सर जिम का शौक था ना बहुत पहले से था ठीक है, जिम अगर मैं बताऊँ तो मैंने यूनिवर्सिटी टाइम में ना स्टार्ट कर दी भी थी जिम, बीच में छोड़ भी दी बीच में कुछ अर्सा, फाइनेंशियल हालात नहीं थे उस तरीके से और ना उस टाइम इतने पैसे होते थे, इतने वसाइल भी नहीं थे क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो तब तो ऊपर से वाले साहब जो है वो मेरे बीमार हैं ठीक है, तो घर के अखराजात ही नहीं पूरे होते थे, तो फिर वहाँ से करते कराते तो लेकिन था लगा रहता था उस टाइम भी, कभी कर ली कभी छोड़ दी। प्रोफेशनलिज्म में जो मतलब प्रोफेशनली करने का सोचा उस टाइम सर हो ये क्या हुआ था कि मैं मतलब जब यूनिवर्सिटी के बाद फारिग हुआ ना तो उसके बाद मैं बहुत वीक हो गया था, बहुत वीक हो गया हुआ था और मतलब कि ऐसा लगता था कि मतलब अभी मैं 29 का हूँ ठीक है, तो उस टाइम तो मैं ऐसा लगना शुरू हो गया था कि मैं कोई 40 साल का इंसान हूँ ठीक है, मतलब एक तो सूखा सा ठीक है ऊपर से और वो कुछ परेशानियाँ भी थी उस टाइम घर के वजह से भी ठीक है, तो वहाँ से फिर मैं जब मैं वापस आया हूँ ना वो था मेरा रिवाइवल टाइम, उसको आप मेरा रिवाइवल टाइम बोल सकते हो क्योंकि उस टाइम मेरे पर एक परेशानी नहीं थी, मेरे जॉब का मसला भी था, मेरे पास जॉब के इश्यूज भी चल रहे थे, मेरे कुछ क्या नाम लेते हैं फैमिली इश्यूज भी चल रहे थे ठीक है, वाले साहब बीमार थे ठीक है, और तो ये सारी चीज़ों की परेशानियाँ जो थी ना वो जब मेरे ऊपर आई ठीक है, तो वो मैं बहुत मतलब कि अनस्टेबल बॉडी के अंदर चला गया था, वहाँ पर लोगों ने ना और बोलना शुरू कर दिया ठीक है कि यार ये कोई बंदा सही नहीं लगता ठीक है, कुछ करदा कुर्दा थे नशा वगैरह तो हाँ मतलब और इस तरह की बात। अब सर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ठीक है मैं इन चीज़ों से बहुत पीछे हूँ, आई वॉज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ
मैं अपनी हेल्थ को लेकर, क्योंकि मैंने अपने वाले साहब को देखा है एक बीमारी से लड़ते हुए, ठीक है, तो मुझे अपनी सेहत, मुझे ज़िंदगी के बारे में पता है कि सेहत कितनी ज़रूरी है। मैं बहुत चीज़, मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ, ठीक है, मैंने ये नशा नुशा इन चीज़ों से, लेकिन जब आप ये चीज़ सुनते हो ना, वहाँ से फिर मुझे हुआ कि नहीं यार, गेट बैक टू वर्क, ठीक है, वापस आते हैं, अब बड़ा सुन लिया, बड़ी बातें बर्दाश्त करी, बड़ा लोगों ने क्या किया। उस टाइम ये था कि हालात थोड़े से बेहतर हुए, ठीक है, तो मैंने जिम ज्वाइन की, ठीक है, उस टाइम भी इतने हालात नहीं थे, ठीक है, मैं कॉम्पिटिशन खेल सकूँ, ठीक है, लेकिन इधर उधर से थोड़ा बहुत खर्चे खुचे। कॉम्पिटिशन के लिए कोई फाइनेंशियली आपको सपोर्ट होनी चाहिए? डेफिनेटली सर, बहुत महंगा स्पोर्ट्स है, ठीक है, जितनी बड़ी, आगे मैं बताऊंगा आपको कि जितनी बड़ी इंडस्ट्री है उतना उतनी ही पैसा भी रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। डाइट, आपका टाइम, डिसिप्लिन, उसके बाद क्या नाम लेते हैं, जिम के अखराजात, फिर सप्लीमेंटेशन है, वो बहुत महंगी है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मिला मलू के बहुत सारा, बहुत एक्सपेंसिव है सर। पहला आपने जो है कंपटीशन कब विन किया? सर मैंने कंपटीशन तो बिल्कुल, यानी पाकिस्तान के अंदर मुझे याद है मैंने 2018 में ना कंपटीशन नहीं विन किया था, सिर्फ एक क्लास विन की थी। मतलब होता ये है कि पहले आप क्लास विन करते हो फिर आप कंपटीशन विन करते हो, तो मैंने क्लास विन की थी, नहीं विन भी नहीं की थी, मेरे ख्याल से मैं सिल्वर या ब्रॉन्ज था, याद नहीं है अब, ठीक है, फिर पंजाब खेला था उसी साल, ठीक है, और उससे अगले साल 2019 में पाकिस्तान खेला था, विन नहीं किया, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल था, लेकिन उस टाइम ना मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि पाकिस्तान के अंदर ना सर मोनोपोली बड़ी है इस फील्ड के अंदर ना, ठीक है, यहाँ पर लोग आपको आगे नहीं आने देते, ठीक है, स्टेट कॉम्पिटिशन करवाए जाते हैं, बहुत रेयर कॉम्पिटिशन है यहाँ पे जो कि जहाँ पे फेयर डिसीजन हो रहे होते हैं, ठीक है, और फिर ये भी चीज़ समझ आना शुरू हो गई कि यहाँ पे नॉर्मली बाहर के मुल्कों के अंदर ना एक एक ही होगा आपको, ठीक है, एक ही मिस्टर यूनिवर्स, एक ही मिस्टर वर्ल्ड, एक ही मिस्टर ओलंपिया, ठीक है, और एक ही मतलब जो भी उनका शोज होते हैं एक ही। पाकिस्तान के अंदर ना एक अजीब सा ट्रेंड बन गया हुआ है, 6-8 पाकिस्तान है, ठीक है, मिस्टर मिस्टर पाकिस्तान है, 6-8 मिस्टर लाहौर है, 6-8 मिस्टर इस्लामाबाद है, 6-8 मिस्टर रावल, भाई पता ही नहीं है कि कौन सा ठीक है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है, ठीक है, वो समझ आ गया था कि भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला, बाहर निकले, बाहर निकलते हैं, है। तो जब बाहर निकलना शुरू किया तो फिर आगे जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। ये मेडल आपने किस सन में विन किया और किस तरह आप उस कंपटीशन का हिस्सा बने, एथलीट होने का जो आपको टाइटल है ये कब मिला? सर मैं 2022 से मेरा इंटरनेशनल सफ़र का आगाज़ हुआ था। उस टाइम ना छोटी सी स्टोरी भी शेयर करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर ना जब मैंने इंटरनेशनल खेलने का सोचा ना, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में तो विन किया नहीं हुआ था, ठीक है, तो मैंने ब्रेक ली थी, 1.5-2 साल तैयारी की थी इकट्ठी, ठीक है, तो जब मैंने 2 साल तैयारी करने के बावजूद भी मुझे लोगों की ये बातें सुनने को मिलती थी कि यार ऐ मुंडे ने इंटरनेशनल खेलना है, यहाँ तक कि मेरे जिम के अंदर कुछ लोग आते थे, बहुत बुरा लगता था सर, बहुत बुरा लगता था मेरे जिम के अंदर, मैं तैयारी के फेज में था, ठीक है, एंड के दिन थे मेरे। उस टाइम ना जिम के अंदर कुछ लड़कों ने ना ये बातें भी करना शुरू कर दी कि यार भाई इंटरनेशनल खेल रहा है, ठीक है, तेरा दिमाग ख़राब है, ठीक है, तो क्यों पाकिस्तान ना डूबो रहा है, ठीक है, सारी बिस्ती करानी है तो। वो इतनी डिमोटिवेशन थी यहाँ पे, इतनी डिमोटिवेशन थी कि मुझे तो समटाइम्स लगता था कि यार क्या इतना गए गुजरे हैं पाकिस्तान। और जब टाइटल जीत के लाए, ये मेडल आपके गले में था, तब क्या तासुरात थे उन हरीफ कहूँगा मैं जो आपको ताने देते थे, क्या सर नजर ही नहीं आए? मुझे याद है 2022 में, मैं बहुत ढूंढा मिले नहीं, ठीक है, 2022 में ही ना मैंने मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन था। देखें ये चीज होती है अल्लाह ताला की तरफ से ना, अल्लाह ताला जिसको चाहे नवाज दे, ठीक है, अगर उसने नवाजना है तो वो आपको किसी भी हाल में नवाज देगा, उसके अगर आपके हक में वो चीज नहीं है ना, तो मेरा ये बड़ा फेयर बिलीव है, ठीक है, तो वो आपको नहीं मिल सकती, ठीक है, तो मैं लोग कहते हैं किस्मत, ठीक है, मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं कहता हूँ मेहनत, ठीक है, और अल्लाह ताला की रजा और लगन, लगन, ठीक है, ये मैटर करता है। किस्मत कुस्मत कुछ नहीं होती सर, ठीक है, किस्मत क्या है, ठीक है, मैं इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता हूँ, ठीक है, कि किस्मत कोई चीज़ होती है, ठीक है, ये सर आपकी मेहनत होती है, अल्लाह ताला की इसमें रजा शामिल होती है, अल्लाह ताला भी मदद उन लोगों की कर रहा होता है, ठीक है, जिनके अंदर उनको कुछ नजर आता है। तो मैं उस टाइम जब विन करके आया हूँ ना, तो लोगों ने तो उस टाइम फिर मुझे बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, नहीं भी अब कर ले, ठीक है, नहीं नहीं सर, अच्छा फिर ना ना ना, उस टाइम ये मुझे सुनने को मिला, और यार अड़ी तो किस्मत चंगी, ठीक है, इसकी किस्मत बड़ी सही थी, ठीक है, तो ये वहां से जीता है, ठीक है, और एक भी नहीं सर, बैक टू बैक 3 गोल्ड मेडल, ठीक है, तो मैंने कहा नहीं यार अपने, उस टाइम मैंने एक चीज डिसाइड की थी, मुझे ना इस बॉडी बिल्डिंग ने ना जो चीज सबसे ज्यादा सिखाई है ना सर, वो ये सिखाई है कि लोग आपको किसी हाल में खुश नहीं रहने देंगे। जो मेरी पुरानी 8-10 साल 20 साल जो मैं बातें सुनता था, और मैं शायद कभी कभी दिल पे ले लेता था ना,
उस टाइम मुझे समझ आई ठीक है कि यार ये बातें दिल पे लेने वाली है ही नहीं, और उन लोगों की बातें दिल पे लेनी है ठीक है जो कि जिनका अपना कोई करियर है ही नहीं ठीक है। लोगों ने तो आपको किसी हाल में खुश रहने ही नहीं देना ठीक है, आपको उन्होंने बोलना ही है, आपको आप जीत रहे हो तब भी बोलेंगे ठीक है, और आप हार रहे हो तब भी बोलेंगे। मैं अगर हार जाता तो लोगों ने ये बोलना था कि जी के ये जो है ठीक है ऐसी तो पहले ही क्या सी ठीक है, और अगर मैं जीत गया ठीक है तो उन्होंने ये ब्लेम करना शुरू कर दिया यार मुंडे थे ना किस्मत बड़ी चंगी थी यार जीत गए ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जो लोग ये बोलते थे ना ठीक है वो एक दफा जरा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेल के तो आए, पता चल जाएगा ठीक है, इंटरनेशनल स्टेज पे एक दफा कदम रखें ठीक है, फिर मैं उनसे पूछूंगा ठीक है कि वहां तक पहुंचा कैसे जा, कॉम्पिटिशन आती है ठीक है, ये तो पाकिस्तान है ना ठीक है कि पाकिस्तान है, फेवरेटिज्म है, अपना बंदा जितवा देता स्टेज पे चले गए ठीक है, इधर उधर की मोनोपोली कर ली। सर इंटरनेशनल जजेस बैठे होते हैं ना, तो उनको मेरे से कोई वास्ता है ठीक है, ना तो उनको किसी और एथलीट से कोई वास्ता है। सर मुझे बताइएगा लास्ट वीक की स्टीराइड्स का इस्तेमाल बड़ा इसमें समझा जाता है कि किया जाता है, क्या आपने भी इस्तेमाल किया और किया तो कितना किया? सर ऑन स्टेज जो है ना ये मतलब ऑन कैमरा कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये है कि यस डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू बी पार्टिसिपेट ऑन सम इंटरनेशनल स्टेज इवन के लोकल स्टेज तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों में आना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। बट आई डोंट रिकमेंड, मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा ठीक है कि जी आप ये चीज़ों को इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी कोई स्टेज है इस्तेमाल करने की, क्योंकि नई जनरेशन आती है और वो पहले दिन से कहती है जी मेरा साइज बढ़ जाए, मेरे जो है तमाम जिस्म के जो कट है वो वाजे होने शुरू हो जाए, और वो स्टीरॉइड का इस्तेमाल पहले दिन से शुरू कर देते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसे ही है सर, स्टीरॉइड इज द किलिंग मशीन, इज द किलिंग मशीन, मैं इसको सिर्फ यही वर्ड बोलूंगा ठीक है। तो अगर ये किलिंग है तो क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है और क्या इसका इस्तेमाल जरूरी है करने के लिए? सर जरूरी इन अ सेंस मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि जब कोई एक क्योंकि ना कुछ चीजों के अंदर जरूरी भी है और कुछ चीजों के अंदर जरूरी नहीं भी है, डिफरेंशिएट करते हैं दो चीजों के अंदर। नंबर वन, एक ऐसा इंसान ठीक है जिसने सिर्फ फिटनेस की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना ठीक है, वो फिटनेस तक रहना चाहता है, वो अपनी सेहत की तरफ रखना चाहता है अपने आप को, वो इंटरनेशनल छोड़े वो कॉम्पिटिशन वगैरह, बड़े नौजवान मर गए हैं स्टीरॉइड्स के चक्कर में, बड़े नौजवान, और वो नौजवान जो मेरे ख्याल से विद इन 24-25 के होंगे, उनकी उम्र भी इतनी नहीं है, सिर्फ साइज बनाने के चक्कर में। क्या समझते हैं कि साइज बनाने के लिए स्टीरॉइड्स को यूज किया जाता है या कट करने के लिए यूज किया जाता है? सर ये दोनों स्टेजेस में यूज किया जाता है ठीक है, और जरूर किया जाता है, किया जाता है, जरूर किया जाता है। इसमें अगर कोई कहता है कि नहीं तो ये मेरे ख्याल से झूठ है ठीक है, लोग बहुत बहुत चीजें इस्तेमाल करते हैं ठीक है, और मैं नौजवान, लेकिन आप रिकमेंड नहीं कर, मैं नौजवान को कभी रिकमेंड नहीं करूंगा ठीक है कि भाई इन चीजों में आओ ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक है, मैं मेरे कोच जो है वो मैं ऑन कैमरा ये चीज बता रहा हूँ ठीक है कि राइट ना पिछले 1.5-2 साल से जो है वो मैं ट्रेनिंग भी इंटरनेशनली कोचेस से ले रहा हूँ ठीक है, तो आई हैव आइडिया ठीक है, मुझे प्रॉपर पता है ठीक है कि क्या गाइडेंस है, क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं ठीक है। और अभी भी हाँ अभी भी क्योंकि सर इट्स अ ब्लैक मार्केट ठीक है, ये जो ये वाला चीज है ना इट्स अ ब्लैक मार्केट ठीक है, ये कोई लीगल चीज नहीं है कई बहुत सारी जगह पर ठीक है। तो और मतलब जिस चीज का पता ही नहीं है, रिसर्च ही नहीं हुई हुई है ठीक है, अब जो एक चीज अनरिसर्च्ड है उसके बारे में आप कैसे बता सकते हो कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है? मुझे बताइएगा कि ये जो सप्लीमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल मार्केट में आपको मिल जाते हैं, क्या इसमें भी कोई स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं नहीं सर, सप्लीमेंट्स आर सेफ टू यूज, सप्लीमेंट्स आर सेफ टू यूज ठीक है, शर्त शर्त ये है ठीक है कि वो ऑथेंटिक हो ठीक है, किसी अच्छी जगह से परचेज की हो। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड अ यंग जनरेशन ठीक है कि वो सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें विटामिन है। हाँ ठीक है, सप्लीमेंट्स का कोई इशू नहीं। लास्ट में आखिरी सवाल और यूनिक सवाल, लड़कियां तो मरी होंगी आपके जिस्म पे कि यार क्या बॉडी है, तब तो आपको पता है कि रंगत खत्म हो जाती है जब इंसान की बॉडी फिजिक खूबसूरत हो और लड़कियां चाहती हैं, कितनी लड़कियां आपके पीछे फिदा हैं? सर मैं नॉर्मली टू बी ऑनेस्ट, हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना भी अल्लाह ताला ने उसे नहीं दिया हुआ ठीक है, लेकिन ये है कि मैं ऑलमोस्ट 8-9 मुल्क फिर चुका हूँ ठीक है, तो तकरीबन हर मुल्क में जब जहाँ पे भी गया हूँ ठीक है तो मतलब दोस्त भी बनी ठीक है, मतलब के घूमे फिरे भी इकट्ठे ठीक है। लेकिन सर बात ये थी कि मैं थोड़ा सा ना अपना ना आखिरी ये सवाल का ना एक छोटा सा टच दूंगा आपको ठीक है कि ना मेरे माँ बाप हैं बड़े शरीफ ठीक है, हमारी तरबियत, हम बेशक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ठीक है, लेकिन मेरे माँ बाप की तरबियत जो है ना वो हमेशा सही रही है ठीक है। तो जिन लोगों जो लोग मेरे से देख भी रहे होंगे ठीक है, मेरी जितनी भी मतलब क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ थी ठीक है, वहाँ पे भी जितने लोग मुझे जानते भी हैं ना ठीक है, वो हमेशा यही बोलते हैं ठीक है कि यार ये जो मर्जी है जैसा मर्जी है ठीक है, ये मतलब
परफेक्ट है। हाँ मतलब उस चीज में ना ये मतलब किसी औरत के साथ जो है ना वो मैं अपने देखने वाले नाज़रीन से कहूंगा कि अगर तो आपकी शौक है वेट लिफ्टिंग करने का, बॉडी बनाने का और इस तरह के डोले बनाने का, लड़की के चक्कर में नहीं आना। अगर लड़की के चक्कर में आप आएंगे तो आप जो है चुस्की हो जाएंगे, ना कि आपका वेट बनेगा ना आपका जिस्म जो है वो ग्रो करेगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।